कुरुक्षेत्र जिले में छिलछिला नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि हरियाणा वन विभाग के अधीन आती है। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एक ऐतिहासिक जगह है और इसका संबंध महाभारत काल से भी है, परंतु आज यह जगह गुमनामी के दौर से गुजर रही है। यहाँ पर धार्मिक मान्यता है कि इसी जगह पर पांडवों ने अपनी सेना व अपने घोड़े हाथी रखे थे और एक तालाब बनाकर पीने के पानी की पूर्ति की थी। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक बड़ा तालाब होने की वजह से यहाँ पर हर साल प्रवासी पक्षी आते हैं, जिससे इस जगह की महत्वता और बढ़ जाती है। परंतु सरकार की तरफ से इसको अधिक महत्वता न देने की वजह से यहाँ के आसपास के लोग भी इसके बारे में इतना नहीं जानते हैं। जब हमने यहाँ पर बने एक मंदिर के महंत से इसके बारे में बात की तो उन्होंने इसके इतिहास के बारे में बताया। ये बताइए जी, कौन सी जगह है और इसका इतिहास क्या है? ये जी छिलछा बोलते हैं, जिसको महाभारत का टाइम के भीम ने यहाँ ढाई टप मारे थे और चार पहाड़ बन गई थी, तीन टिब्बे बन गए थे यहाँ। जिस टाइम पूरा रात को लड़ाई होने के बाद बंद होने के बाद पूरा घोड़े गाड़े फौज फाज सब यहीं रहे करती, खाना पीना जो सवेरे लड़ाई पर चले जाए करते। और ये कुरुक्षेत्र से कितनी दूर है जी? ये 15 किलोमीटर दूर है जी, सहरसा गाँव है, ये सहरसा गाँव की जमीन में जी। ये बताइए कि यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं? आते हैं जी, बाहर के भी आते हैं, बहुत पक्षी आते हैं जी, स्याले में भी आते हैं, करसाल में, फिर पानी सूख जाता फिर तो कहाँ है जी। ये सफेदा सफादा लगा दिया नहीं तीर्थ में, तीर्थ कराया जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। यहाँ और क्या मान्यता है? यहाँ पर पूरा मेला भरे करता जी। मेले में क्या मान्यता है? ये पुराना इतिहास के हिसाब से जी तीर्थ है, जो जैसे कुरुक्षेत्र तीर्थ है नहीं, ऐसे तीर्थ है जी यहाँ। यहाँ किस चीज क्या मान्यता है यहाँ पर? ये मान तो जी इसकी है जी, महाभारत का टाइम का ये सिस्टम, पुराना इतिहास में जमीन में ये लिख रखा है जी, पुराना इतिहास मंदिर है जी, तीर्थ तीर्थ है जी पुराना। ठीक है।